सबसे पहले तो इनके ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 16,000 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 480। ओके ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंसेस ना। रिसीवेबल का ओपनिंग 16,000, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग 480। अब करंट ईयर के ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। 2003 है, ड्यूरिंग 2003 जैक मेड सेल्स ऑफ 95,000। तो ये रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे 95,000 से। उसके बाद कलेक्टेड 96,000 फ्रॉम हिज रिसीवेबल, कलेक्शन हो गई। रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 96। एक मिनट ये दूसरा आगे 96,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। अब 3% डाउटफुल डेट्स हैं। पहले रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 15,000। अच्छा, अब 15,000 का 3% देंगे। डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 3%। 15,000 का 3% आ जाएगा 450। क्या बात क्या करेंगे आप? याद है, भूल गए। प्रीवियस ईयर वाले को माइनस करेंगे। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 480। 480 माइनस करेंगे इसमें से। अच्छा, 450 माइनस 480 माइनस 30। माइनस का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा, डिक्रीज क्यों हो रही है? डिक्रीज क्यों आया? पिछले साल में 2002 में इंक्रीज था ना, अब यहाँ डिक्रीज क्यों है? क्योंकि यहाँ देखें रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस, रिसीवेबल्स कम हो गए। रिसीवेबल्स कम होंगे तो डाउटफुल डेट्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे, इसलिए आंसर आपका डिक्रीज में आ रहा है ना। ठीक, अच्छा अब एंट्री क्या होगी इसकी? अब एंट्री यहाँ रिवर्स हो जाएगी। डिक्रीज के केस में एंट्री रिवर्स होगी। अब एंट्री बनेगी अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट और इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। सही, अब इसको एंट्री पोस्ट कर देते हैं लेजर्स में। ये एंट्री होगी इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट 30 से और अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट 30। अकाउंट क्लोज करते हैं। अब रिसीवेबल अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 480, कैरी डाउन आ गया। के बाद इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो जाएंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट। तभी बताइए ये 30 जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होंगे या लेस होंगे? नेगेटिव है। देखिए यहां पर क्या था, डिक्रीज इन अलाउंस था। एंट्री हमने क्या बनाई? अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। तो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिट डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो अब ये 30 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होंगे, लेस नहीं होंगे। एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो 30 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होंगे, लेस नहीं। अब यहाँ एंट्री की अगर बात करें तो देखिए हमने बैडेड अकाउंट क्रेडिट किए थे 30 से ना, क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कहाँ रही है? डेबिट साइड पर। रिकवरेबल डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो, क्रेडिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा। और क्रेडिट मींस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो, अब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। सही, अब अगर हम वो बनाए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें हम दिखाएंगे 30 क्रेडिट। 30 अब क्या होंगे यहाँ पर? क्रेडिट और बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब आपके ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे 3,000, क्लोजिंग बैलेंस है।
और इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 4/5, 4/5 आपके पास आ जाएंगे नेट रिसीवेबल। जब बैलेंस शीट में रिसीवेबल और अलाउंस फॉर रिसीवेबल दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, सही। अब बैक कर देता हूं, इसको कॉपी कर ले आप लोग। यहां से स्टार्ट करें, टी अकाउंट से। अच्छा, पहले ये एंट्रीज लिखी हुई है, एंट्रीज कॉपी कर लें। अच्छा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? ये लिख रिकवरेबल डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं, लिख चुके हैं। अच्छा, रिकवरी ऑफ इररिकवरेबल डेट्स की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, हाँ ये सब लिखी हुई है, पहले पहली क्लास में लिखवा देते, मैंने एक जगह कर दिया ताकि फॉर्मेट समझने में आसानी हो गया। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज इन अलाउंस, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल की एंट्री क्या बनाई थी हमने? इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। और यह भी हमने बनाई डिक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल की एंट्री, अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं। अच्छा, अब हमें बैडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करने, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करने। अगर एंट्री से कैलकुलेट करें तो कैसे होंगे? पहली एंट्री में रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो रहे हैं, दूसरे एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये इसमें माइनस हो जाएंगे। थर्ड वाले में अगर इंक्रीज इन अलाउंस है तो ये डेबिट हो रहे हैं, एड हो जाएंगे, और अगर डिक्रीज है तो बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएंगे बैडेड एक्सपेंस फॉर द, सही। ये डेबिट मीन्स एक्सपेंस इंक्रीज हुए, यहाँ क्रेडिट है एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ डेबिट है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ क्रेडिट है एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं। इसी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए, पहले जुटे हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हमें फाइन क्या करना है? रिकवरेबल डेट्स फॉर द ईयर, इसमें क्या होगा? राइट ऑफ जो हमने किए थे, राइट ऑफ में क्या था? इररिकवरेबल डेट्स डेबिट ऐड हो गए। अच्छा, रिकवरी के टाइम पर क्रेडिट हो रहे हैं, माइनस हो गए, इंक्रीज इन अलाउंस ऐड होंगे, डिक्रीज इन अलाउंस क्रेडिट तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चारों का सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव होगा। अच्छा, आंसर पॉजिटिव होगा तो चार्ज करेंगे, एक्सपेंस चार्ज होगा, नेगेटिव में आया तो क्रेडिट होगा। नेगेटिव का मतलब होगा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होंगे, और पॉजिटिव है तो मीन एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये चार्ज, ठीक है। इस तरह से ये तो आप बैडेट निकाल लें, ठीक। इसके बाद बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में हम लेते हैं रिसीवेबल और अलाउंस फॉर रिसीवेबल लिख रहे हैं। इसमें हमने बैलेंस कौन से लिए थे? क्लोजिंग बैलेंस, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस, रिसीवेबल का भी क्लोजिंग और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का भी क्लोजिंग लिया था ना। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ? एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। हाँ, अभी हमने यहाँ बैलेंस शीट में क्या लिखा था? अलाउंस फॉर रिसीवेबल लिखा था, और वहां मैंने क्या लिखा है? एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। क्या बात हुई? अच्छी चीज बता रही है, जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल। चेक करते हैं, जो क्वेश्चन टू अभी हमने कंप्लीट किया ना, इसको चेक कर लें। इसमें देखिए अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 450 है। एस्टिमेटेड कितने थे? 450। तो सेम बैक करते हैं इसका, जो हमने 2002 किया था, फिर चलते हैं 2000, 2002। देखिए अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है? 480। एस्टिमेटेड कितने थे इसके? 480। सेम 2001 पे चलते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है? 300, नहीं ये रहा 300। अच्छा, एस्टिमेटेड कितने थे? अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग और एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स हमेशा सेम। बैलेंस शीट में आपने क्या करना है? आपको अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे? एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स
माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे नेट्स। तो अब इसको हम यूज करते हुए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कॉपी कर लें आप लोग, पहले एंट्रीज देख लें इंटर का, ये फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस फॉर बैलेंस। यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ, पहले 2001 है ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ इसमें, जैक विलियम एंड रिसीवेबल्स हैं 10,000, ओपनिंग ये तो नहीं, एंडिंग है 31 दिसंबर। अच्छा एट दैट डेट जैक एस्टिमेट दैट देयर वाज एविडेंस दैट अमाउंट टोटल 300 मे नॉट बी रिकवर्ड एज रिसीवेबल। अच्छा दी मे नॉट बी रिकवर्ड एज दोज रिसीवेबल्स वर ऑलरेडी ओवर ड्यू एंड ही देयर फोर वॉन्टेड टू मेक एन अलाउंस फॉर दिस अमाउंट। सही है। अच्छा इसमें तो सिर्फ अलाउंस की बात कर रहे हैं 300। अच्छा पहला साल है तो इसमें तो ओपनिंग बैलेंस अलाउंस का कुछ भी नहीं होगा ना, तो इंक्रीज कितना होगा, 300 ही आ जाएगा ना एज इट इज। अच्छा इसमें तो ये होगा कि बैड डेट एक्सपेंस में आप क्या लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा 300, तो यही आपका आंसर होता है। जी खत्म। अच्छा रिसीवेबल्स कितने हैं, 10,000। डाउटफुल कितने इसमें से, 300। तो नेट रिसीवेबल्स 9,700, ये आपका 20x1 खत्म हो गया, बस इतना था। ठीक है कॉपी कर लें। अच्छा अब इसमें से कॉपी वही की। अच्छा अब आ जाए 2002 में ना, ड्यूरिंग 2002 जैक मेड सेल्स ऑन क्रेडिट टोटलिंग 1 लाख एंड रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर 94,000 ठीक है। एट 31 दिसंबर जैक नाउ कंसिडर दैट देयर वाज डाउट रिकॉर्डिंग द रिकवरेबिलिटी ऑफ अमाउंट्स टोटलिंग 700। अब 700 डाउटफुल है, विच वर ओवर ड्यू एंड विच मे नॉट बी रिकवर्ड मे नॉट बी। द अलाउंस फॉर रिसीवेबल शुड देयर फोर बी इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 700। लास्ट ईयर कितना था 300, इस ईयर हो गया तो इंक्रीज कितना आ रहा है, 400 का इंक्रीज आया ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे इंक्रीज इन अलाउंस कितना है 400, यही आपके एक्सपेंस फॉर द ईयर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मे नॉट बी रिकवर्ड, कंफर्म नहीं है अभी ना डाउट, ये जो 700 दिए थे इसी की बात हो रही है ना। हाँ मे नॉट बी है ना, ओवरड्यू हो गए अभी। ऊपर देखिए क्या लिखा था, वॉज डाउट रिगार्डिंग, डाउट है अभी ना और मे नॉट अभी कंफर्म नहीं है। तो अब यहाँ पर हम रिसीवेबल का क्या लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, अब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए अब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था 2001 का क्लोजिंग बैलेंस 2 का ओपनिंग हो जाएगा ना, नहीं नेट वाला नहीं ये वाला है, नेट तो सिर्फ हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 10,000। अच्छा 2002 में क्रेडिट सेल्स कितनी हो रही है, 1 लाख की ऐड हो जाएंगी। कलेक्शन कितनी हुई, 94 माइनस कर देंगे तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 16,000। ये हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे रिसीवेबल 16,000 और यहां से माइनस क्या करेंगे आप, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स वो कितने हैं 700। 700 माइनस करेंगे नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 15,300। कंप्लीट, यहाँ तो पूरा एस्टिमेटेड आएगा बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ हम रिसीवेबल भी पूरे ले रहे हैं ना 16,000। 16,000 में से डाउटफुल कितने हैं 700, नहीं पिछले साल के थोड़ी लिए, इसी साल के लिए। देखिए रिसीवेबल पिछले वाले में क्या था, परसेंटेज दी हुई थी, उसमें हम क्या कर रहे थे रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल कर उस पर परसेंटेज लगा रहे थे,
एस्टिमेटेड आ गए तो वही माइनस हो रहे थे, तो यहाँ इसने परसेंटेज के बजाय डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, ये डायरेक्ट एज इट इज माइनस। आप क्या कह रहे हैं? सर प्लस में आंसर होगा। ड्यूरिंग 2020X3 जैक मेड सेल्स ऑफ 95,000, कलेक्टेड 96,000 फ्रॉम इज रिसीवेबल। ठीक, एट दिसंबर 31 जैक नाउ कंसिडर दैट अमाउंट टोटलिंग ओनली 600 रिक्वायर्ड एज एन अलाउंस फॉर बींग ओवर ड्यू एट दैट डेट। The allowance for receivable should therefore be adjusted from 700 to 600. तो अब यहां पर क्या हुआ, 100 का डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, 100 का डिक्रीज आ रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, डिक्रीज इन अलाउंस है ना, ये हो जाएगा -100। अब आंसर आएगा -100, और ये माइनस में आ रहे हैं तो ये अब होगा क्रेडिट, चार्ज नहीं करेंगे बल्कि एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट का मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट में अब ऐड हो जाएगा। सही। अच्छा, बाकी रिसीवेबल का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब लास्ट ईयर का क्लोजिंग था 16,000, तो ये इस ईयर का ओपनिंग हो गया। क्रेडिट सेल्स कितनी है, 95,000 ऐड करेंगे, और कलेक्शन कितनी हो गई, 96,000 माइनस कर दें, तो रिसीवेबल्स रह जाएंगे 15,000। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस 15,000, और इसमें से माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट। अब एस्टिमेट क्या था इसका, एस्टिमेट क्या है, 600, 600 माइनस करेंगे तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 14,000। हाँ, क्या लिखा है, पढ़ें। हाँ, अब एंड पे उसने डिसाइड किया कि अलाउंस कितना होगा आपका, 600, क्योंकि रिसीवेबल कम हो रहे हैं ना। देखें, रिसीवेबल्स पहले कितने थे, 16, आप कितने रह गए, और डाउटफुल डेट के चांसेस भी कम हो जाएंगे, इसलिए अब उसने 700 से उसको कम करके 600 पे ले आया। 100 का डिक्रीज था, ऊपर क्या था, 300 से 700 हुए थे, 400 का इंक्रीज था, अब 700 से 600 पे आ गया, 100 का डिक्रीज आ गया। ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्मेट से हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, अब अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन इस टाइम हैज ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी ऑन एस ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट 68,000 एंड 3,400। जब ये रिसीवेबल और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर टू 31 जनवरी 2006 जॉन स्टैम्प मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 3,54,000 एंड कलेक्टेड कैश फ्रॉम हिज रिसीवेबल्स ऑफ 3,40,000। ठीक है, अब एट दिसंबर 31 जॉन स्टैम्प रिव्यूड हिज रिसीवेबल लिस्टिंग एंड एक्नॉलेज दैट is unlikely ever to receive, अच्छा, is unlikely ever to receive debts of 2000, these are to be written off as irrecoverable. ये तो confirm हो। ठीक, in addition that the estimated amounts totaling 4000 were overdue and that an allowance for receivable was required to cover these amounts. अच्छा भाई, 2000 तो आपके bad debts हो गए, write off। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी इरिकवरेबल डेट्स रिटन ऑफ 2000 आ गए, इसके बाद अलाउंस कितना है, एस्टिमेट क्या किया उसने, 4000, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3000, तो 400, हाँ 3400, तो 600 का इंक्रीज आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंक्रीज इन अलाउंस कितना आएगा, यहाँ पे वर्किंग दिखा देता, 3000 400 माइनस 3400, 600 का इंक्रीज आया। ठीक, फोर थाउजेंड माइनस 3400, 600 का इंक्रीज आ गया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट, कोई वैल्यूज आएंगी, टोटल कर लेते दोनों का,
2600 हो जाएंगे करंट ईयर के एडेट्स एक्सपेंस, क्योंकि हम चार्ज करेंगे, और ये चार्ज हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बैलेंस शीट पे आते हैं। अब यहाँ हमें चाहिए रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 68,000, यहाँ लिख लेते हैं 68,000। क्रेडिट सेल्स कितनी हो रही है? 354। और कलेक्शन कितनी हो गई? 340। माइनस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अब ये जो 2000 राइट ऑफ किए, राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स रिटन ऑफ की। बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। तो 2000 यहाँ रिसीवेबल से भी माइनस होंगे ना, रिसीवेबल से माइनस करेंगे। और इसके बाद आ जाएगा रिसीवेबल का क्लोजिंग, क्या हो गया? एक मिनट, ये अमाउंट मैंने गलत कर दिया। 3,40,000 कलेक्शन हो रही है ना, सही। अब क्लोजिंग बैलेंस आएगा 80,000। ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 80,000। जी क्या कैसे इसमें क्यों कहाँ बना? माइनस हुआ? 2000 अलाउंस कहाँ से अलाउंस है? पढ़ने क्या लिखा है? ठीक है, तो क्या रिसीवेबल कितने आएंगे यहाँ पर? 80,000। इसमें से माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, कितने? एस्टिमेट अच्छा 4,000 एस्टिमेटेड है, 4,000 माइनस करेंगे, नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 76,000। यहाँ ये क्वेश्चन कॉपी कॉपी कर लें। अच्छा, देखिए अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डाउटफुल डेट्स होते हैं आपके, ठीक है, डाउटफुल डेट्स होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे। नहीं, तो जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स है ना, ये होते हैं दो टाइप्स के, इसके दो टाइप्स हैं, एक कहलाते हैं स्पेसिफिक अलाउंस और दूसरा जनरल अलाउंस। अलाउंस फॉर रिसीवेबल दो टाइप्स के हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक अलाउंस क्या होता है कि एन अलाउंस मेड अगेंस्ट स्पेसिफिक कस्टम, तो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के अगेंस्ट क्रिएट होगा वो स्पेसिफिक अलाउंस, और जो सबके लिए होगा वो जनरल अलाउंस। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व किए, उसमें जो अलाउंस हमने कैलकुलेट किया था वो कौन सा था? जर्नल अलाउंस था। उसमें एक ओवरऑल बात कर रहे थे कि टोटल रिसीवेबल इतने हैं, उसमें से डाउटफुल इतने परसेंट, तो वो बात कर रहे थे जर्नल अलाउंस की। स्पेसिफिक क्या, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने रीड किया, तो 5 में बात कर रहे हैं ना फ्यूचर की, तब ये 500 क्या हो जाएंगे? स्पेसिफिक अलाउंस हो जाएगा, 500 से स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करेंगे और बाकी 2% से जनरल अलाउंस क्रिएट। ठीक है, जहां एक पर्टिकुलर कस्टमर की बात होगी तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक अलाउंस और बाकी सबके लिए वो जनरल अलाउंस। ये पहले कॉपी कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन इसमें बैड डेट्स तो कुछ भी नहीं ना, राइट ऑफ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ डाउटफुल डेट्स हैं। अच्छा, 500 तो स्पेसिफिक अलाउंस हो गया, और उसके बाद रिमेनिंग का 2% जनरल अलाउंस हो जाएगा ना। अब रिसीवेबल्स कितने हैं? 11,200। अच्छा, पहले पहले वर्किंग कर लेते हैं। अब रिसीवेबल कितने हैं? 11,200। ये रिसीवेबल्स आ गया। अब इसमें से पहले हम माइनस करेंगे स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस कितना है?
500, पहले इसमें से ये 500 माइनस कर देंगे, ये रिमेनिंग रिसीवेबल्स आ जाएंगे 10,700, ठीक है। और अब इसमें जनरल अलाउंस कितना है, 2% ऑफ रिमेनिंग, तो 10,700 का 2% ये आ गया 214 जनरल अलाउंस, ठीक। अब स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, टोटल कितने हो गए 714। स्पेसिफिक प्लस जनरल अलाउंस इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये लास्ट में दिया हुआ है 1 जून 2003 स्टेवन हेड बैलेंस ऑन इज रिसीवेबल अलाउंस अकाउंट ऑफ 230, 230 माइनस करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस 484 जी, क्लियर। तो इसमें आ जाएंगे जब स्पेसिफिक अलाउंस होगा तो पहले स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करेंगे, फिर आपके पास आएंगे रिमेनिंग रिसीवेबल्स, उस पर जनरल अलाउंस कैलकुलेट होगा और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स आ जाएंगे, सही है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज कितने का आ रहे हैं, 484, 484, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंक्रीज इन अलाउंस कितना है 484, और कुछ भी नहीं है तो यही एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे 484 के। जब रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ यहाँ पर गिवन है 11,200, 11,200, इसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं 714, आपके पास नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 10,486, और ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाए, कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इसमें फिर एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर अलाउंस फॉर रिसीवेबल वॉज 1,000, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन रिसीवेबल्स फॉर 18,500, अ स्पेसिफिक अलाउंस वॉज मेड फॉर द होल ऑफ बर्ड्स डेट्स ऑफ 500, ये तो पूरे डाउटफुल हो गए, एंड फॉर 80% ऑफ फ्रेट्स डेट्स ऑफ 1,000, 1,000 में से 80% यानी कि 800 डाउटफुल हो गए, 800। अच्छा, ये तो हो गए दोनों आपके स्पेसिफिक अलाउंस ना, इसके बाद इट वॉज डिसाइडेड टू मेक जनरल अलाउंस ऑफ 2% ऑफ रिमेनिंग डेट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ स्पेसिफिक अलाउंस दो आ गए, 500 और 80%, 1,000 का ना। अच्छा, पहले एक चीज समझा दूं जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, उसके बाद में बताऊंगा सही कैलकुलेशन क्या होगी, इसकी वर्किंग क्या होनी चाहिए डाउटफुल डेट्स। रिसीवेबल्स कितने हैं 85, 18,500, अभी जो हमने वर्किंग 5 में की थी ना, 5 की वर्किंग, स्पेसिफिक अलाउंस कितने हैं, पहले 500 है, 500 माइनस करेंगे, उसके बाद 1,000 का 80% देंगे, 800। अब रिसीवेबल कितने रह जाएंगे इसको माइनस करके 17,200, अब इसका कितना परसेंट, जनरल अलाउंस कितना है 2%, 2% कैलकुलेट करें 17,344 जनरल अलाउंस आ गया ना, और अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे 500 प्लस 800 प्लस 340, एस्टिमेटेड आ जाएंगे कितने, और ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग आप। हाँ, 1644 रॉन्ग आंसर है, और आपने छाप भी लिया। अभी मैंने शुरू में बताया था स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, पहले वो समझा रहा हूँ, बाद में सही समझो। अच्छा, अब इसमें मिस्टेक क्या है आप बताएं, ये आंसर रॉन्ग है, कैसे अलग अलग करें, क्या मतलब आप बताएं थोड़ा, सही कह रहे हैं कुछ ऐसे ही है। देखिए, इसमें मिस्टेक क्या है,
इस 10,000 में से डाउट 1,000 में से डाउटफुल कितने थे? 80%। 80% कितने हुए? 800। बाकी 200 जो है वो मिलेंगे ना, वो तो 800 डाउटफुल हैं, बाकी 200 वो तो मिलेंगे। अच्छा हमने क्या किया, अभी जो 17,200 का 2% लिया, तो इसमें ये 200 कौन से हैं? जीपी वाले आ गए ना, 1,000 वाले 200 जो मिलेंगे। लेकिन क्या फिर हमने क्या किया, 17,200 का 2% निकाल लिया, तो इसका मतलब कि अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो 2,000 मिलने हैं उसमें से भी 2%, हाँ 200 जो मिलने हैं उसमें से भी 2% डाउटफुल है। तो ये वाला जो कस्टमर है ये 2 बार चार्ज हो गया, ऐसे ही है बात समझ आई? 10,000 में से पहले हमने कहा 800 डाउटफुल है, 200 बच गए, ये तो मिलेंगे। अगर हम 17,200 का 2% लेते हैं तो इसको मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो जो 200 मिलने हैं उसमें से भी 2% डाउटफुल है। तो ये वाला कस्टमर 2 बार चार्ज नहीं हो गया, पहले 80%, 200 का 2%, तो होना क्या चाहिए, 1,000। 1,000 पूरे माइनस करें, 17,000 का 2% आना चाहिए ना। ठीक है, तो देखें इस तरह के क्वेश्चन में जहां स्पेसिफिक अलाउंस लेस देन 100% होगा वहां पर कैलकुलेशन इस तरह नहीं करेंगे, इसमें मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। हम इसकी कैलकुलेशन को जिस तरह होगी, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ये काम करेंगे कि रिसीवेबल को स्प्लिट कर लेंगे, बाद में डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब एक कस्टमर से रिसीव करने 500 अलग हो गए, 1,000 को अलग कर दिया आपने, बाकी कितने रह गए, 17,000 इधर आ गए। ठीक है, ये तो आपके स्पेसिफिक और ये जनरल हो गए ना। अब 500 में से डाउटफुल कितने थे, पूरे 500 यानी कि 100%। 1,000 में से डाउटफुल कितने हैं, 80%। रिमेनिंग में से डाउटफुल कितने हैं, 2%। 2% सही। अब ये 500 हो गए, ये 800 हो गए, और ये 340। अब कैलकुलेशन सही हो गई, आप इन तीनों का सम कर लेंगे, 500 प्लस 800 प्लस 340, 1640 आपके पास आ जाएंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। और इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, जो कि कितना है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग 1,000 पहले लाइन पे दिया हुआ है, 1,000 माइनस करते हैं तो 640 का इंक्रीज इन अलाउंस आ जाए। 640 से हम जैसे चले जाएंगे हमारी, अब यहां पर लिख लेते हैं इसको, मैं कॉपी कर दूं फॉर्मेट इसका। सही, प्रॉफिट लॉस में आप क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन लॉस कितना है, 640, यही हमारे बैड डेट एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे। तब रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, यहां से देख लेते हैं, 18,500 है टोटल, माइनस करते हैं इसमें से एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, हमने कैलकुलेट किए कितने, 1640। 1640 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नेट रिसीवेबल 16,086। क्लियर, तो बैक करते तो आप कॉपी कर ले।